लॉकडाउन से लेकर अनलॉक 4 तक चरण बद चरण देश आगे बढ़ता गया। अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सबके बीच अभी भी एक इंडस्ट्री ऐसी है जिस पर से संकट के बादल छटे नहीं हैं, और ये इंडस्ट्री है इवेंट इंडस्ट्री, वेडिंग इंडस्ट्री। अभी भी 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री पर निर्भर हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री पटरी पर नहीं आई है। क्या है इनकी समस्या, आइए जानते हैं। अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने शादी रिसेप्शन जैसे कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की छूट दी है। लॉकडाउन में इस साल काफी नुकसान झेल चुके शादी ब्याह के कारोबार से जुड़े कारोबारियों ने सरकार से और ढील दिए जाने की मांग की है। इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की मांग है कि इसमें जगह के हिसाब से ढील दी जाए। अब गुजरात के शादी इंडस्ट्री से जुड़े लोग एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हो रहे हैं और केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने दिया जाए। शादी में ढोल बजाने वाले, रसोई, मेहंदी लगाने और संगीत कार्यक्रम करने वाले सभी लोग अहमदाबाद में एक मंच पर जुटे। तकरीबन पूरे देश में 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जो इसी व्यवसाय पर निर्भर रखते हैं। वैसे में पिछले 5 महीने से बंद यह इंडस्ट्री अभी शुरू नहीं हुई है, लिहाजा लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आज करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ। एक बेरोजगार हो गए हैं आज 6 महीने से, आज लोगों को इंस्टॉलमेंट भरने के पैसे नहीं है। आज हमारी सरकार से एक नम्र विनंती है, प्रधानमंत्री से, गृह प्रधान से एक नम्र विनंती है। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि इस इंडस्ट्री को चालू कीजिए, अपनी क्षमता के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सरकार जो गाइडलाइन देगी, SOP देगी, उसके हिसाब से काम करेंगे। हमारी इंडस्ट्री ने किसी ने कोई मांग नहीं रखी है आज तक, तो हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री खुद आत्मनिर्भर बनना चाहती है। और आज प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, तो हम वही चाहते हैं कि हमको आत्मनिर्भर बनने दीजिए। हमारे सारे लोग आप लोगों के साथ हैं, हम सरकार की जो गाइडलाइन होगी उसको फॉलो करेंगे और इस इंडस्ट्री को सिर्फ शुरू करिए, वेडिंग और इवेंट इंडस्ट्री, ताकि आज करोड़ों लोग बेरोजगार होते बच जाए, यही हमारी एक मांग है बस। अभी तक 6 महीने तक हमने बोला नहीं, लेकिन अब भी एक हमारे लिए एक हद लिमिट आ गई है। आज हर आदमी बेरोजगार होता रह रहा है, हम रोज अलग अलग न्यूज़ सुन रहे हैं। आज हमको खुद डर लगता है कि हमारी इंडस्ट्री के साथ ऐसा ना हो। जो हमें रिक्वेस्ट है कि वेन्यू की अलग अलग कैपेसिटी होती है इंडोर और आउटडोर की मिला के, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी कैपेसिटी हर वेन्यू की, उसकी 50% एटलीस्ट फर्स्ट फेज में दे। 100% की तो हमारी अपेक्षा है कि 100% दे, क्योंकि हर इंडस्ट्री में 100% दे रखी है, पर फर्स्ट फेज में अगर देना चाहे तो 50% मिनिमम दे, जिससे ये इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। और SOPs की जो जहाँ तक बात है सिर्फ डिस्टेंसिंग की, वो ऑलरेडी जो 50 आदमी का था, अभी 100 आदमी का है, वो तो हम निभा ही रहे हैं। अगर वेन्यू कैपेसिटी की 50% होगी तो इंडस्ट्री सस्टेनेबल होगी, खड़ी हो पाएगी, आने वाले को भी गेस्ट लिस्ट में बढ़ावा मिलेगा, रिश्तेदारी निभा पाएंगे और वो प्रसंग का वैभवता और जो इसकी यूटिलिटी है उसको जस्टिस मिल सकता है। 15 नवंबर से शादी के शाये शुरू होते हैं, शाये मतलब जो मुहूर्त होते हैं वो शुरू होते हैं। तो 15 नवंबर की शादी प्लान करने के लिए कोई भी आदमी को 2 महीने पहले का टाइम चाहिए। तो सरकार अभी 2 महीने बाद की कोई भी छूट अभी जाहिर करेगी तो उससे लोग शादी करना प्लान कर पाएंगे, वरना 15 नवंबर को जाहिर होगा कि 500 आदमी की परमिशन दे रहे तो वो छूट काम में नहीं आएगी किसी के। जिस तरह से होटल्स एंड रेस्टोरेंट, फ्लाइट वगैरह शुरू किए गए हैं, वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस कारोबार को भी शुरू किया जाए, ऐसी एसोसिएशन की इच्छा है। लेकिन एक तरफ लगातार बढ़ते कोरोना के मामले सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, वैसे में अब ये इंडस्ट्री को रोजगारी दी जाए, ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुजरात तक।